हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सीरीज का फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले से एक डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूँ, और मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /et/my_solutions/my_acl। तो प्रीवियस वीडियो हमने इस डायरेक्टरी में ACL को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, पहला सेशन देखिए, एबीसी और XYZ दोनों डायरेक्टरी पर हमने ACL कॉन्फ़िगर किया था लास्ट टू वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो हम सीखेंगे कि ACL को रिमूव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गेट FACL कमांड के थ्रू एबीसी डायरेक्टरी पर चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी ACL इस पे कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ग्रुप वन को परमिशन RWX, ग्रुप वन के लिए एक ACL कॉन्फ़िगर है XSACL RWX, और उसी तरह यूजर वन के लिए एक XSACL कॉन्फ़िगर है RWX। ठीक है, अब मुझे कोई स्पेसिफिक यूजर अकाउंट की ACL रिमूव करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड होगा सेट FACL -x, उसके बाद मैं यूजर वन की जो ACL है वो रिमूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए u:user1: उसके बाद आपको कुछ भी टाइप नहीं करना, कोई भी परमिशन असाइन नहीं करनी है, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, तो देखिए यहां पर यूजर वन की परमिशन थी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, वो यहां से रिमूव हो चुकी है, यूजर वन की जो ACL थी वो यहां से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, उसी तरह अगर आप ग्रुप के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जी लिखना है। ठीक है, जी यूज करना है, और उसके बाद यहां पर आपको ग्रुप का नेम टाइप करना है, ग्रुप वन। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर ग्रुप वन की परमिशंस थी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, जो यहां से रिमूव हो चुकी हैं। तो इस प्रकार आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या पर्टिकुलर यूजर अकाउंट के लिए ACL रिमूव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से। ठीक है, एबीसी। ठीक है, उसके बाद कि हम एक ही कमांड के थ्रू, ठीक है, जैसे अभी हमने जो प्रैक्टिकल देखा था दो कमांड एग्जीक्यूट किया, उसमें क्या हो रहा था कि जैसे पहले मैंने सिर्फ यूजर वन की परमिशन थी और ACL रिमूव की थी। ठीक है, तो उस कमांड में क्या हो रहा, किसी पर्टिकुलर एक ही यूजर की ACL रिमूव हो रही थी। ठीक है, हमें क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर जितनी भी ACL कॉन्फिगर है वो सभी ACL हमें क्या करनी, एक ही कमांड की सहायता से रिमूव कर देनी। ठीक है, सभी यूजर हो चाहे ग्रुप हो, उन सभी की जितनी भी ACL कॉन्फिगर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर, तो वो ACL हमें एक सभी ACL एक साथ हमें रिमूव करनी है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि वन बाय वन हमने ACL को रिमूव किया था, पहले यूजर वन के लिए रिमूव किया, उसके बाद ग्रुप वन के लिए रिमूव किया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि XYZ डायरेक्टरी पर जितनी भी ACL कॉन्फिगर है, ठीक है, वो सभी ACL में एक साथ रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करना है सेट FACL -b और उसके बाद डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, तो देखिए यहां पर XYZ पर यहाँ प्लस का सिंबल रिमूव हो गया, जबकि यहां पर था। ठीक है, तो XYZ पर जितनी भी ACL कॉन्फिगर थी, ठीक है, वो सभी यहां से रिमूव हो चुकी है। चेक कर लीजिए गेट FACL XYZ। ठीक है, यहां से देखिए उसकी जो डिफॉल्ट ACL कॉन्फिगर थी वो यहां से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ACL को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से या पर्टिकुलर फाइल से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।